अब हम बात कर लेते हैं सैंपल मेथड की। ये एक ऐसा मेथड है जो डेली रूटीन की लाइफ में कहीं ना कहीं हम यूज भी करते हैं। मान लीजिए घर में आप खाना बना रहे हैं और आपने ये प्रेशर कुकर में चेक करना है कि चावल बन गए हैं कि नहीं बन गए, तो आप क्या करोगे? चावल के एक-एक दाने को तो चेक नहीं करने वाले। अगर आप चावल के एक-एक दाने को चेक करते हो, अगर आप चावल के एक एक दाने को चेक करते हो, तो मैं कहूंगा कि आप सेंसस मेथड यूज कर रहे हो। कौन सा मेथड? सेंसस मेथड। पर हम क्या करते हैं रियलिटी में, चावल के कुछ ही दानों को चेक करके बता देते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। तो मैं कहूंगा कि आपने सैंपल मेथड यूज किया। एक एग्जाम्पल और, किसी दुकान पे गए, आपने वहां पर चेक किया कि चीनी अच्छी है कि नहीं है, तो आपने दुकानदार को बोला कि मुझे चीनी के कुछ दाने दिखाओ, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं खरीद लूंगा। अब दुकानदार आपको पूरा कट्टा तो लाकर दिखाने नहीं वाला। दुकानदार ने क्या किया, कुछ चीनी के दाने आपको दिखाए, जिसको देखकर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने चीनी परचेज करनी है कि नहीं करनी है। तो मैं कहूंगा कि आपने सैंपल मेथड यूज किया। मतलब सैंपल मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको पहले भी देता आ रहा हूं कि मान लो आपके पास 2000 स्टूडेंट्स हैं और 2000 स्टूडेंट्स का डेटा अगर आप सभी से एक एक से कलेक्ट करते हो, 2000 बच्चों का डाटा अगर आप एक एक बच्चे से कलेक्ट करते हो, उनसे से बात करते हो, तो मैं कहूंगा कि आपने सेंसस मेथड का यूज किया। पर मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, सैंपल मेथड। आपने 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपने 2000 में से एक सैंपल उठा लिया, सिर्फ 200 बच्चों का सिलेक्शन किया, इन बच्चों का आपने डेटा कलेक्ट किया। जो डेटा आपको यहां से मिला, तो आपने यही सोचा कि वो 2000 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सैंपल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ का ही सिलेक्शन करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है उसको सभी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, दैट इज सैंपल मेथड। अब हम बात करते हैं कि सैंपल मेथड को यूज करने की क्या मेरिट्स हैं। पहली बात, ये इकोनॉमिकल है। मतलब जब भी आप सैंपल मेथड यूज करोगे तो आपका ज्यादा एक्सपेंस नहीं होने वाला, टाइम आपका बहुत कम लगने वाला है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम होने वाली है। क्योंकि सोच कर देखो, 2000 लोगों का डेटा आपने कलेक्ट करना है, अगर एक एक से बात करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, मैन पावर ज्यादा चाहिए। पर अगर आप सैंपल मेथड यूज करते हो तो सोच कर देखो, पैसा कम लगेगा, टाइम आपका सेव होने वाला है, मैन पावर आपकी कम लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकल पड़ता है सैंपल मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको एरर्स को आइडेंटिफिकेशन करना है, गलती का पता लगाना है, सैंपल मेथड के थ्रू ये काम करना बहुत ईजी होता है। आपने अगर 2000 बच्चों से सबसे डेटा कलेक्ट किया होता, अगर वहां पर कोई गड़बड़ हो जाती तो 2000 बच्चों से हमें फिर से बात करनी होती। पर हमने तो डेटा ही 200 बच्चों का लिया था, तो 200 बच्चों में से अगर किसी का डेटा अगर गलत आ भी गया, तो हम 200 बच्चों में से वो बच्चा बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एरर्स की आइडेंटिफिकेशन करना सैंपल मेथड में बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जहां पर आपको बहुत बड़े एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, जहां पर आपको बहुत बड़े एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी हो और जहां टाइम भी कम हो, तो वहां पर आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर लो। अदरवाइज आपको पता है कि जहां पर आपको डेटा रिलायबल चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, बहुत डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर आप सेंसस मेथड अप्लाई करते थे। तो अगर आपको बहुत बड़ा एरिया बहुत जल्दी कवर करना है, टाइम कम है, मैन पावर कम है, पैसा कम है, तो आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर लीजिए। आगे है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होती है, जिसको भी डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके लिए भी सैंपल मेथड बहुत इजी रहता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि डेटा बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाए, पैसा कम लगे, मैन पावर कम लगे, और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्किल्स भी इतनी नहीं होती कि सारे सारी इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छे से डिटेल्स में ले लें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को मैनेजमेंट वालों का बहुत कन्वीनियंट रहता है ये मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक मेथड माना जाता है। कौन सा? सैंपल मेथड को। सैंपल मेथड को साइंटिफिक मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप हर एक एंगल से कहीं ना कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हो, पता लगा लेते हो कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया कहीं वो गलत तो नहीं था। अब हम बात करते हैं सैंपल मेथड की कुछ डीमेरिट्स, क्या नुकसान है अगर हम सैंपल मेथड को यूज करते हैं। तो पहली बात, पार्शल। देखिए, मैंने जो 200 लोगों का सिलेक्शन किया, हो सकता है कि सिर्फ मेरे फायदे के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे 200 लोगों का सिलेक्शन किया हो जो 2000 को रिप्रेजेंट ही ना करता हो, मैंने उन 200 बच्चों का सिलेक्शन किया हो जिनसे मैं डेटा भी कलेक्ट ना करूं और ऐसे ही रिजल्ट दिखा दूं, तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग कंक्लूजन। कभी कभी मैंने जो सैंपल का सिलेक्शन किया है, वहां से जो रिजल्ट आते हैं वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते, हमारे रिजल्ट गलत हो जाते हैं, रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाते हैं।
मेरे को लगा था कि 200 बच्चे बहुत अच्छी फैमिली के हैं, तो मुझे लगा कि 2000 बच्चे पूरी सभी अच्छी फैमिली के होंगे, पर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगला पॉइंट है डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। रियलिटी में ये सैंपल का सिलेक्शन करना बहुत टिपिकल होता है। 2000 में से, 2000 बच्चों में से मैं कौन से 200 बच्चों का सिलेक्शन करूं, ये एक टिपिकल काम है। फिर सैंपल की फ्रेमिंग करना भी बहुत टिपिकल है। मैं 200 बच्चों का सिलेक्शन करूं, 300 का करूं, 500 का करूं, कौन से बच्चों का करूं, पहले वाले बच्चों का करूं या बाद वाले बच्चों का करूं, कौन से वाले बच्चों को मैं सैंपल में लेकर आऊं, मतलब सैंपल की फ्रेमिंग करना भी बहुत टिपिकल टास्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो भी बंदा सैंपल मेथड को अप्लाई करेगा उसके पास सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, पर सभी के पास एक पर्सन के अंदर सारी स्पेशलाइज नॉलेज हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए स्पेशलाइज नॉलेज की अभाव में, इन द लैक ऑफ द स्पेशल नॉलेज, सैंपल मेथड ऑलवेज फेल, सैंपल मेथड कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये सैंपल के अंदर कौन कौन से एसेंशियल होने चाहिए, मतलब यहां पर जैसे मैंने कोई सैंपल लिया है तो इस सैंपल के अंदर कौन कौन सी खास बात होनी चाहिए। हम जब भी सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। यस, यहां से जो रिजल्ट निकले वो सभी के ऊपर एक्यूरेट अप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट। यहां पर मैंने जो भी सैंपल में बच्चे लिए हैं उन बच्चों से मुझे जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सैंपल के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं वो आइटम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा हो कि इसका अगर मुझे आंसर मिला तभी मैं दूसरे का आंसर ले पाऊंगा, नहीं, कभी दूसरे का आंसर मिला तभी मैं तीसरे से कुछ पूछ पाऊंगा। तो जितनी भी आइटम्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है होमोजेनिटी, मतलब जितना भी मैं सैंपल को सेलेक्ट करूंगा वो सैंपल इससे मैच होता हुआ होना चाहिए। मान लो मुझे किसी स्कूल के अंदर 10th क्लास के बच्चों का इन्वेस्टिगेशन करना है, 10th क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है। 10th क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट ना करके मैं 9th क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लेता हूं और मुझे लगता है कि 10th क्लास के बच्चों का भी वही होगा, तो यहां पर गड़बड़ है। तो जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना है, जो भी आपको सैंपल सिलेक्ट करना है, वो सैंपल उसको रिप्रेजेंटेटिव करने वाला होना चाहिए और वो सिमिलर नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेट। आप जो भी सैंपल सिलेक्ट करो कम से कम इतना आइटम तो सेलेक्ट करो कि ताकि पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर दो। जैसे यहां पर मान लो 2000 बच्चे हैं, 2000 में से मैं सिर्फ दो बच्चों का सैंपल ले लेता हूं, 2000 बच्चों में से मान लो मैं सिर्फ दो बच्चों का सैंपल ले लेता हूं और दो बच्चों के रिजल्ट के बेस पर मैं कहूं कि 2000 बच्चों का भी वही रिजल्ट होगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सैंपल जब भी आप सेलेक्ट करो वो इतना एडुकेट तो होना चाहिए, इतना प्रॉपर तो होना चाहिए, उसमें मतलब आइटम्स इतनी तो होनी चाहिए कि पूरे के पूरे ग्रुप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर जाए। अगला हमारा टॉपिक है कि ये जो सैंपल मेथड है वो कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पर आपको लार्ज एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपके पास टाइम कम है, पैसा कम है, मैन पावर कम है, तो वहां पर आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर सकते हो। जहां पर आपको हाई डिग्री का डेटा, मतलब हाई डिग्री की एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, वहां पर सैंपल मेथड को आप अप्लाई कर लीजिए। जहां पर आपको बहुत डीपली एक्सपेरिमेंट नहीं करे, जहां पर आपको बहुत डीपली नॉलेज नहीं लेनी, बहुत डीपली इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी, तो वहां पर आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेंसस मेथड को अप्लाई करो, क्योंकि सेंसस मेथड के अंदर क्या होता है, आप हर एक पर्सन से बहुत डीपली डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पर होता है, जब हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन मिलती है। पॉपुलेशन तो काउंट हो ही जाती है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। तो अगर आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी तो आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर लो। लास्ट पॉइंट है, जहां पर आपको काफी सारी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट नेचर की मिलती हैं और वहां पर आपको सिमिलर नेचर के अगर आइटम आपको लग रही हैं, जहां पर आपके सैंपल जो आपको लेना है वो सैंपल मतलब उसी आइटम में से है प्लस सिमिलर नेचर का है, तो वहां पर आप उस सैंपल मेथड को अप्लाई कर सकते हो। 10th क्लास का इन्वेस्टिगेशन करना है तो 10th क्लास में ही सही 10th क्लास के बच्चों को उठाओ, उन्हीं बच्चों को उठाओ जो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। तो सिमिलर नेचर की आइटम्स हो तो आप सैंपल मेथड को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।